नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर जो हेडर और फुटर का ऑप्शन आता है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। तो दोस्तों ये जो पूरा ग्रुप है वो हेडर और फुटर के नाम से है और यहाँ पे उसके अलग अलग तीन ऑप्शन दिए हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर। दोस्तों हेडर किसे कहते हैं? हेडर मतलब हमारे डॉक्यूमेंट का ऊपरी हिस्सा, जो मार्जिन का एरिया है उसे हेडर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं फिर भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो मार्जिन है। यहाँ पे आप इसकी रूलर पे ध्यान देंगे तो जो ग्रे एरिया है वहाँ पे हम नहीं लिख सकते। जहाँ पे रूलर व्हाइट कलर से शुरू होता है वहाँ से हम लिख सकते हैं, ये मार्जिन एरिया है, वहाँ पे हेडर लिखा जाता है। और जब हम डॉक्यूमेंट के सभी पेज के ऊपर कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो हर एक पेज में आए, तब हम वर्ड के अंदर जो हेडर का ऑप्शन है उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों फुटर का ऑप्शन है। फुटर मतलब दोस्तों डॉक्यूमेंट के नीचे जो मार्जिन का हिस्सा है उसे फुटर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पेज डाउन कर लेता हूँ तो ये जो रूलर में ग्रे एरिया दिख रहा है वो फुटर का एरिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं और ज़्यादा कंटेंट लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख लिया, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ से हमारा कंटेंट दूसरे पेज में चला जाता है क्योंकि ये जो एरिया है वो मार्जिन है, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमारा कंटेंट नहीं आ सकता। और जब हमें डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में नीचे कुछ ऐसा लिखना है, फॉर एग्जांपल पेज नंबर लिखना है जो हर एक पेज में आना चाहिए, तो तब हम ये फुटर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बुक का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको और पता चले। यहाँ पर ये एक PDF बुक है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये कंटेंट लिखा है वो हर एक पेज में आ रहा है, तो ये दोस्तों है हेडर। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा है वेबसाइट का नेम जो हर एक पेज में आ रहा है, तो दोस्तों ये है फुटर। तो ऐसा कुछ जो हमें हर एक पेज के हेडिंग में चाहिए, हर एक पेज के फुटर में चाहिए, तब हम हेडर और फुटर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम हेडर और फुटर का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस कंटेंट को निकाल देता हूँ। अब दोस्तों हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग अलग कई सारी स्टाइल है जो हम हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये पहले से ही एमएस ऑफिस वर्ड में दी हुई है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो कई और सारी आपको अलग अलग स्टाइल दिखेगी। हम यहाँ पे इस स्टाइल को हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो ऊपर का मार्जिन एरिया है वहाँ पर ये स्टाइल का हेडर अप्लाई हो गया। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये एरिया है वो एक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और ये एरिया है वो थोड़ा लाइट हो गया है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है। अभी हम हेडर के एरिया में है इसलिए ये एरिया लाइट हो गया है। यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी स्टाइल अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे पहले से कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल, जहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एमएस वर्ड ट्यूटोरियल, हमने कुछ ऐसा लिख दिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने आप हमारा कंटेंट, हमने जो भी लिखा था वो आ गया। तो दोस्तों ये है हेडर जिसको आप किसी भी पेज में अप्लाई करोगे तो सभी पेज में वो अपने आप आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से हम फर्स्ट पेज में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हमें ये जो हेडर है वो हमने सेट कर लिया, अब इसको क्लोज करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हेडर के लिए एक नया टैब आ गया है, डिज़ाइन वो हेडर एंड फुटर के लिए है, तो यहाँ पे नया टैब आ गया। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन लिखा है क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हेडर का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। अब आप देखिए तो ये जो ऊपर हेडर का एरिया है वो थोड़ा लाइट हो गया है, थोड़ा हल्का सा हो गया है। और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो डार्क हो गया, मतलब ये जो एरिया है वो एक्टिव है। फिर से हमें हेडर में जाना है, हमें हेडर में कुछ एडिट करना है, तो फिर से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है एडिट हेडर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम हेडर में चले जाएंगे। यहाँ से निकलना है तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो फिर से निकल जाएंगे। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका दोस्तों हेडर एडिट करने के लिए, यहाँ पे आपको जाना है और डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो सीधा ये एरिया एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अब फिर से हमें हेडर को क्लोज करना है तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो कंटेंट एरिया है
वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हेडर एरिया अपने आप क्लोज हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा और हमारा जो कंटेंट एरिया है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। फिर से दोस्तों हम इंसर्ट टैब में चले जाते हैं, हेडर पे क्लिक करके एडिट में चले जाते हैं। अब दोस्तों ये जो डिज़ाइन टैब ओपन हुआ है उसके सभी ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है हेडर, जो हमने इंसर्ट टैब के अंदर सीखा वही ऑप्शन है। यहाँ पे हम दोस्तों हेडर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो पुरानी स्टाइल निकल जाएगी और नई स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। फिर से हेडर पे क्लिक करते हैं। अगर आपको हेडर को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर आपका निकल जाएगा, ये पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। फिर दोस्तों फुटर, दोस्तों आपको फुटर सेट करना है, ये जो पेज का नीचे का एरिया है वो आपको सेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अलग अलग कई सारे फुटर के स्टाइल दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं जो फुटर पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे दोस्तों ऑथर का नाम अपने आप आ गया। दोस्तों ये ऑथर का नाम किस तरह से आएगा, आप अपने कंप्यूटर में जो भी नाम से लॉगिन हुए होंगे वो नाम यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अगर आपको ये चेंज करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर देना है और फिर आपको जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिस्टर कोडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है वो पेज नंबर लिखा है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज में चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप दो नंबर आ जाएगा। तीसरे पेज में चेक करेंगे तो अपने आप तीन नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों ये पेज नंबर अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे ही पेज ऐड होते जाएंगे उसी तरीके से ये नंबर भी अपने आप चेंज होते रहेंगे। तो ये ऑप्शन है दोस्तों फुटर, जिस तरह से हेडर है उसी तरीके से फुटर है। हेडर में हम पेज के ऊपर का हिस्सा सेट कर सकते हैं और फुटर में पेज के नीचे का हिस्सा हम सेट कर सकते हैं। अगर आपको फुटर निकालना है तो रिमूव फुटर कर दीजिए, तो ये फुटर निकल गया। अब फिर से दोस्तों हम हेडर में चले जाते हैं, यहाँ पे हम हमारा कर्सर रखते हैं। दोस्तों फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेज, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अलग अलग ऑप्शन रहा है। पहला ऑप्शन है टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे हम हमारा माउस लेकर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारी स्टाइल है जिसकी मदद से हम हमारे पेज के ऊपरी हिस्से में मतलब के टॉप ऑफ द पेज में हम पेज नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको किस स्टाइल का और कहाँ पे पेज नंबर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम ये स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पेज 1 of 3 और सेकंड पेज पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा पेज 2 of 3। तो दोस्तों ये है पेज का ऑप्शन जिसमें हमने देखा टॉप ऑफ द पेज। फिर दोस्तों नेक्स्ट है बॉटम ऑफ द पेज, जो फुटर में पेज नंबर ऐड करेगा। तो हम यहाँ पे फुटर के लिए पेज नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह का सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुटर में आ गया पेज नंबर इस तरीके से, ये स्टाइल से। दूसरे पेज में देखेंगे तो यहाँ पे अपने आप दो नंबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जो हमारी जरूरियात के हिसाब से हमें यूज करने हैं। फिर दोस्तों है पेज मार्जिन। दोस्तों पेज मार्जिन मतलब क्या, यहाँ पे ये टॉप का मार्जिन है जिसे हम हेडर कहेंगे, यहाँ पे बॉटम का मार्जिन है जिसे हम फुटर कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों साइड भी मार्जिन है, उस एरिया को यहाँ पे हेडर और फुटर के अंदर पेज मार्जिन कहा गया है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इस एरिया में आपको पेज नंबर चाहिए तो ये पेज मार्जिन है। यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको PDF बताई, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है Chapter 1, हर एक पेज में लिखा है दोस्तों Chapter 1। तो दोस्तों ये किस तरह से सेट हुआ है, ये हेडर और फुटर की मदद से ही सेट हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है, उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है Chapter 1 तो आप लिख सकते हो Chapter 1, यहाँ पे हम लिखेंगे Chapter 1। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया Chapter 1। तो दोस्तों ये अभी सभी पेज में अपने आप अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे सेकंड पेज में देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है Chapter 1। तो आप इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड में जो मार्जिन है वहाँ पर भी आप अपना कंटेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पेज मार्जिन में अलग अलग 4 ऑप्शन है, लेफ्ट जो हमने अभी अप्लाई किया, उसी तरीके से राइट अगर आपको इस तरफ चाहिए, फिर वर्टिकल लेफ्ट मतलब ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे फुटर के एरिया में वर्टिकली लिखा हुआ आएगा Page 1, सेकंड पेज में आएगा Page 2, इस तरह से वर्टिकली। तो ये पेज मार्जिन का ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमने पेज नंबर लिखे हैं वो सभी हमें निकालना है, तो किस तरह से करना है, पेज नंबर पे जाना है, लास्ट ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर, उस पर क्लिक करना है तो वो सभी निकल जाएंगे। अब फिर से दोस्तों हम फुटर में चले जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज में पेज नंबर ऐड कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है 2। अब दोस्तों हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे पेज नंबर पे जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है 1, 2, 3। अब आपको यहाँ पे पेज के लिए नंबर नहीं चाहिए मगर
अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट चाहिए तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए, तो अब यहाँ पे पेज नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट आएंगे। पहला पेज के लिए ए, दूसरे पेज के लिए बी, तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट भी सेट कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम पेज नंबर पे चले जाते हैं, फॉर्मेट पेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रोमन नंबर चाहिए तो यहाँ पे रोमन नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए, तो ये रोमन नंबर में अब पेज नंबर आएंगे। फिर से दोस्तों हम पेज नंबर पे चले जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट नंबर पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे नॉर्मल पेज नंबर आ रहा है 1, 2, 3। फिर से हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेज पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला पेज है वो नंबर 1 से शुरू होता है, मगर हमें हमारा पहला पेज है वो नंबर 11 से शुरू करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है पेज नंबरिंग, वहाँ पे आपको स्टार्ट एट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है 11 और फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला पेज है वो 11 नंबर से शुरू हो रहा है और दूसरा पेज है वो 12, तीसरा पेज है और 13, इस तरह से सभी पेज में नंबर आते जाएंगे, मगर शुरू कहाँ से होगा, 11 नंबर से शुरू होगा। तो ये किस तरह से हमने सेट किया, पेज नंबर पे जाना है, फॉर्मेट पेज पे क्लिक करना है और आपको जहाँ से भी शुरू करना है वो आपको स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आपको 101 से शुरू करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 101 और ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये 101 से शुरू होगा। दूसरा पेज 102, इस तरह से दोस्तों आप जो स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग पेज नंबर है, वो भी सेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है दोस्तों पेज का, यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हो। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे हेडर में चले जाते हैं, हम हमारा कर्सर हेडर में यहाँ पे रख लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, दोस्तों एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग कई सारे डेट और टाइम के फॉर्मेट दिए हैं, जिस तरह की डेट और टाइम आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी डेट आएगी दोस्तों, आपके सिस्टम की जो भी करंट डेट है वो डेट यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से डेट एंड टाइम में चले जाते हैं। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसको फिर से निकाल देते हैं, तो दोस्तों ये डेट का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डॉक्यूमेंट इन्फो, दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ऑथर, तो यहाँ पे दोस्तों हम ऑथर पे क्लिक करेंगे तो मिस्टर कोडिंग अपने आप आ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ऑथर का जो नेम था वो हमने एडिट किया था मिस्टर कोडिंग से, इसलिए वो अपने आप आ रहा है। तो दोस्तों ये अलग अलग कई सारे फील्ड है, अगर आपको इसमें चेंजेस करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से फिर से आप कोई और ऑथर का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉन कार्टर। अब दोस्तों हम ये जो ऑथर का ऑप्शन है उसको हमें निकाल देना है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करनी, तो ये डिलीट हो जाए। अब फिर से हम जब ऑथर इंसर्ट करेंगे तो जॉन कार्टर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट जॉन कार्टर सेट किया था इसलिए। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट के अलग अलग फील्ड है, अलग अलग ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। दोस्तों फिर से हम डॉक्यूमेंट इन्फो में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल नेम, दोस्तों हमारी फाइल का नेम यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी फाइल का नेम है लर्न हेडर एंड फुटर। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर में आपकी फाइल का नेम इंसर्ट करना है, फाइल का नेम रखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपकी जो फाइल का नेम है वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करके निकाल देते हैं, डॉक्यूमेंट इन्फो में चले जाते हैं। फिर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन फाइल पाथ, दोस्तों आपको ये फाइल किस ड्राइव में किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है उसका पाथ, उसका पूरा पाथ आपको लिखना है, तो वो यहाँ से आएगा। डॉक्यूमेंट इन्फो पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा पाथ है जहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट रखा है। दोस्तों कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसकी हमें प्रिंट निकालनी होती है, प्रिंट निकाल के थोड़ी दिनों के बाद हम भूल जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने कंप्यूटर में किस जगह पे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम हेडर या फुटर में इस तरह का पाथ रख के प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में देख के हमें पता चल सकता है कि ये फाइल हमने कहाँ पे रखी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है,
जो आपके डॉक्यूमेंट में आपने जहाँ पे फाइल रखी हुई होगी उसका पूरा पाथ यहाँ पे लिखेगा। फिर से दोस्तों हम डॉक्यूमेंट इन्फो में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई टाइटल दिया है तो वो अपने आप आ जाएगा, नहीं दिया है तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके नया टाइटल दे सकते हैं MS Word। अब दोस्तों हम इस टाइटल को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम डॉक्यूमेंट इन्फो में जाके डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो लास्ट जो हमने सेट किया था टाइटल वो अपने आप आ जाएगा। तो ये दोस्तों अलग अलग डॉक्यूमेंट के फील्ड है, ऑप्शन है जो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से दोस्तों हम डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये चार ऑप्शन है, उसके अलावा आपको और भी ज़्यादा फील्ड चाहिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आपको माउस लेकर आना है। तो यहाँ पे अलग अलग कई सारी प्रॉपर्टीज मतलब के फील्ड आ रहा है। अगर आपको ऑथर का नेम रखना है जो यहाँ पे हमने रखा था वही ऑप्शन यहाँ पे अंदर भी है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। कंपनी ईमेल का फील्ड आपको चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, कंपनी ईमेल का फील्ड यहाँ पे आ जाएगा और आपको जो भी ईमेल टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं testing@gmail.com। तो यहाँ पे हमने ईमेल सेट कर दिया। इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों फील्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कई सारे अलग अलग लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें से आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिटेल सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन है फाइल साइज़ का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ आपको आपके हेडर या फुटर में रखनी, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं साइज़। और आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे हमें न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो फाइल की साइज़ है वो यहाँ पे आ रही है। दोस्तों ये हमारी फाइल की साइज़ है। तो इस तरह से दोस्तों डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर ये जो फील्ड का ऑप्शन है तो इसमें अलग अलग कई सारी प्रॉपर्टी है, फील्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर जो हमने अलग अलग फील्ड देखे वही फील्ड यहाँ पे आ रहा है क्विक पार्ट्स में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। आपके कंप्यूटर आपके वर्ड में जो भी कोई ऑटो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जो प्रॉपर्टी देखी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड। दोस्तों यहाँ पे जो फील्ड ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पे है फील्ड का जो क्विक पार्ट्स में आता है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन एक जैसी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स। दोस्तों आपको अपने हेडर में कोई पिक्चर रखना है जो सभी पेज में रिपीट होना चाहिए तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी पिक्चर रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमें कोई ऐसा ये इमेज है वो सभी पेज में चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इमेज बहुत ही बड़ी आ रही है, उसको हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको छोटा कर देते हैं और हमारी जो हेडर है उसमें आ जाए उस तरीके से हम इसको रख देते हैं। अब दोस्तों हमने ये पहले नंबर के पेज में हेडर के अंदर ये इमेज इंसर्ट की है, अब हम दूसरे पेज में देख लेते हैं तो वहाँ पर भी वो इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारे हेडर या फुटर में अलग अलग इमेज भी रख सकते हैं। फिर से हम दोस्तों यहाँ पे हेडर और फुटर के डिज़ाइन में चले जाते हैं। और फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपका इंटरनेट शुरू होगा तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाएंगे जिसमें से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू हेडर गो टू फुटर। अगर दोस्तों आप यहाँ पे हेडर में हो और आपको फुटर में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीधा आप फुटर में चले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम फुटर में आ गए। अगर आप फुटर में हो और आपको हेडर में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीधा आप हेडर में चले जाओगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस नेक्स्ट और यहाँ पे ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस। दोस्तों ये तीन ऑप्शन है वो अभी के लिए हम नहीं सीखेंगे। ये तीन ऑप्शन दोस्तों हम कब सीखेंगे, जब हम ये लेआउट का टैब है वो सीख लेंगे, बाद में हम ये तीन ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि ये तीन ऑप्शन लेआउट के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज है वो हमारे डॉक्यूमेंट का कवर पेज होता है जिसमें हमें पेज नंबर नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज को दूसरे पेज से अलग करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपका फर्स्ट पेज है वो
दूसरे सभी पेजेस से अलग हो जाएगा। यहाँ पे हेडर और फुटर आप फर्स्ट पेज का अलग से बना सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देखिए, दूसरा नंबर का पेज है, वहाँ पे ये इमेज आ रही है, पहले पेज पे निकल गई क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज हेडर, तो ये अलग है, ये हमने डिफरेंट कर दिया। अगर आप पेज नंबर देखोगे तो यहाँ से पेज नंबर निकल गया क्योंकि हमने पहले पेज को डिफरेंट कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन ऑन कर दिया। इसलिए दूसरे पेज में हम देखेंगे तो हमारे दूसरे पेज में पेज नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप फर्स्ट पेज में जो भी कुछ लिखेंगे वो नेक्स्ट पेज में अप्लाई नहीं होगा। मान लो हम यहाँ पे हेडर के अंदर ये जो हेडर है वो इस तरह का सेट करेंगे, तो यहाँ पे हमने हेडर सेट किया, वो दूसरे पेज में नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट पेज को हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज किया है। इसलिए अब हम इसको निकाल देते हैं तो सभी पेज में हमारा जो पुराना हेडर है वो फिर से आ जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। दोस्तों आपको ऑड पेजेस की हेडर फुटर अलग रखनी है, इवन पेजेस की हेडर फुटर अलग रखनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो दोनों की हेडर और फुटर आप अलग अलग रख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारी जो बुक है उसमें आप देखोगे तो ये जो इवन पेज है उसमें इस तरह का हेडर है, और यहाँ पे ये जो ऑड पेज है उसमें इस तरह का हेडर है। तो दोस्तों ये जो दोनों पेज है वो ऑड और इवन है, और दोनों में अलग अलग हेडर है, और वो दोनों हर एक ऑड और इवन पेज में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आपको रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम ऑड पेज और इवन पेज में अलग अलग हेडर रख सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑड पेज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑड पेज, तो यहाँ पे आ रहा है ऑड पेज। फिर दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों इवन पेज है जिसमें ऑड पेज लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम इवन पेज में हेडर इंसर्ट कर देते हैं ये। तो अब दोस्तों इवन पेज के लिए ये हेडर हो गया और ऑड पेज के लिए ये हेडर हो गया। फिर से हम स्क्रॉल करके थर्ड पेज में जाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑड पेज का हेडर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑड और इवन पेज के हेडर और फुटर को अलग अलग से सेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। अब हम इसको निकाल देते हैं तो हमारा जो पुराना हेडर है वो सभी में अप्लाई हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों जब हम हेडर और फुटर के अंदर काम कर रहे हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो आपको डिस्प्ले करना है या नहीं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो है, इसको हम सिलेक्शन में से निकाल देंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है वो हमें नहीं दिखाई देगा। वो निकल नहीं गया है मगर वो सिर्फ हाइड हो गया, नहीं दिखाई दे रहा। जब हम हेडर और फुटर को क्लोज कर देते हैं तो वो फिर से आ जाता है। यहाँ पे फिर से हम हेडर में चले जाते हैं तो ये ऑप्शन अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये दोस्तों अलग अलग ऑप्शन है हेडर और फुटर के। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप। दोस्तों यहाँ पे जो हमने लिखा है वो ये जो हमारा पेज का टॉप एरिया है वहाँ से ये जो स्पेस है वो आपको कम करनी है, तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो साइज़ है वो कम होती जाएगी। अगर आपको ये साइज़ बढ़ानी है तो ऊपर का जो एरो है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये साइज़ बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों ये जो बॉटम का टेक्स्ट है वो पेज की जो बॉटम की बॉर्डर है उससे दूर आ रहा है, तो आपको थोड़ा और नीचे लेना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये कम होता जाएगा। आपको स्पेस ज़्यादा रखनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप हेडर और फुटर की जो पोजिशन है वो सेट कर सकते हो। अब दोस्तों हम ये हेडर को रिमूव कर देते हैं, तो हेडर को रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिमूव हेडर, तो यहाँ पे हेडर रिमूव हो गया। दोस्तों अभी हमारा कर्सर लेफ्ट साइड ब्लिंक हो रहा है, आपको हेडर एरिया के सेंटर में जाना है, तो यहाँ पे इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करना है, सेंटर सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो कर्सर है वो सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे वो सेंटर में ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जो हेडर के अंदर का अलाइनमेंट टैब है वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सभी अलग अलग ऑप्शन है हेडर और फुटर के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम हेडर और फुटर को क्लोज कर देते हैं, फिर से हम इंसर्ट टैब में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फुटर, जो हमने हेडर और फुटर टैब के अंदर देखा था वही ऑप्शन यहाँ पे है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर, ये ऑप्शन भी दोस्तों हमने ऑलरेडी देख लिया है हेडर और फुटर के जो डिजाइन टैब आ रहा था उसके अंदर, तो यहाँ से फिर से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये जो हमने हेडर और फुटर का ऑप्शन देखा,
उसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो टेक्स्ट का ग्रुप है वो सीखने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।